नमस्कार दोस्तों, मौसम की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर लेकर के आ रही है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कि आज देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। जैसे अलीपुर, रोहिणी, नेवरा, NCR में स्थित, फरीदाबाद, बल्लमगढ़ में गर्जनाक बारिश की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ और बताया जा रहा है गाजियाबाद, पिछोला, नोएडा और ग्रेट नोएडा, हरियाणा, मेरठ आदि जिले हैं। दोस्तों, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आखिर दिल्ली वासियों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। सुबह सुबह राजधानी के कई इलाकों में भारी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ बता देते हैं कि बिहार में मानसून की एंट्री से बड़ा बाढ़ का खतरा, यानी आज ताज़ा स्थिति में बताया जा रहा है कि बिहार में मानसून को दस्त दे चुका है। बिहार में मानसून बरसात से लोगों को परेशानी बाढ़ आ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ पर अब बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और भयंकर बाढ़ आने की संभावना बताई जा रही है। और बता देते हैं कि किस प्रकार मौसम है जो बना हुआ। महाराष्ट्र में भी मानसूनी वर्षा से बड़ी परेशानी। केरल से हुई मानसूनी शुरुआत के बाद देश में कोने कोने तक पहुँच चुका है मानसून। मानसून महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में वाराणसी में सुबह सुबह हुई भयंकर बारिश, वहीं यूपी के मानसून की एंट्री की वहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और वाराणसी में बहुत ही भयंकर बारिश हुई है। दोस्तों, अभी अभी आकर राजस्थान की बात करें, दोस्तों राजस्थान में कुछ ही दिनों में मानसून जो प्रवेश करने वाले हैं, साथ साथ भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है क्योंकि राज